Hello, hello everyone. Welcome back to the channel. Good morning. Good morning, people. हमारी आज लेट मॉर्निंग हुई है क्योंकि हम रात को बहुत लेट सोए थे 5 बजे. अगेन हमारा स्केड्यूल बिगड़ गया और कल तो फ्यांजू का काम भी जल्दी खत्म. कल गाइस एक ही इंसान ने अपने आप को नजर लगाई की हुई की वो मैं था खुद. मैंने कहा था कि गाइस मेरे काम तो ऐसे खत्म हो गया, ऐसे खत्म हो गया, ऐसे खत्म हो गया, फिर काम पे काम आता रहा. एनी हाउ आज बहुत स्पेशल इंसान हमारे घर पे आ रहे हैं. हैव अ सीट, हैव अ किटकैट. उसका नाम है मेघा. सो जिनको पता नहीं मेघा कौन है, कौन है मेघा, कौन है मेघा? है विनिपेग से. हम अगर आपने हमारे विनिपेग के व्लॉग्स नहीं देखे जब हम वैंकूवर टू टोरंटो सीरीज कर रहे थे तब. एंड मेघा एंड फ्यांजू हैव वर्क टुगेदर. फ्यांजू की इंटर्न थी मेघा और बैक इन 2018. हाँ. देन जितने भी सबको पता होता है जो भी इंटर्न बनते हैं वो दे बिकेम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली. नाउ शी इज लाइक अ फैमिली. या तो मेघा आ रही है. और गाइस एक सीक्रेट प्लान ये है कि हमने मेघा को ललचा देना है कि तू विनिपेग छोड़ और वैंकूवर मूव हो जा. दैट्स माय प्लान. बट अब तैयार होके फटाफट मिलते हैं. मेरी ये खाने की ड्यूटी, मैं खाना बना रहा हूँ, तू जा नहाने. फटाफट आपको मिलते हैं. बाय बाय. गरम गरम शीला बन गया है दोस्तों. ये तो मेगा को पिक करने जाना है और ये लड़का अभी तक रेडी नहीं हुआ. मैं कर रहा हूँ मोए मोए. When you have to press your own clothes, मोए मोए. और मैं तय लगा रही हूँ कपड़े, कपड़ों को तय. By the way, कॉस्को से लिया है. कितने का है? 24 का, 20 का? कितने मैंने अभी प्रेस किए तूने इसको ऐसे फेंका? ये देख कैसे किए. मैं दिखाती हूँ आपको कैसा फेंका है. था और मैंने फिर ऐसे कर दिया. That's it. क्या कैसे फेंके फिशी? बता दे मैंने कुछ गलत बोला. एक मिनट, ये ऐसा था मतलब गलत था, तूने सीधा कर दिया. हाँ? और इस पे मैं बोल रहा हूँ तेरे को. हाँ? ये वहां पे सीधा था और तूने ऐसे मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर दिया था. कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ था प्यांची. शादी हुई है. मोए मोए. हो देखा? मैंने प्रेस लगाए थे ये सारे. अब तू करेगा? अब मैं तेरे को बताता. नहीं नहीं अब तू करेगा. मैं तेरे को बताता हूँ. ये वैसे पड़े हुए थे और तूने ऐसे किए. अब तू करो बेटा. सुन सुन सुन. ना 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 ना. ऐसे किए बाबू. देर इज अ बिग डिफरेंस. नहीं, देर इज अ स्मॉल. देर इज अ बिग डिफरेंस. इसको मैंने लिटरली तय लगा के तीनों को ऊपर के ऊपर रखा था. तूने तीनों ऐसे फेंके और इसकी टैंक खुल चुकी है. मोए मोए और करो लव मैरिज. मोए मोए. ऐसे नहीं होता. ओके कैसे था मुझे सिखा दो. हाँ, स्लीव को एक कॉर्नर से पहले अंदर, फिर दूसरे कॉर्नर से अंदर. हाँ, अब पता चला तेरे कपड़े देना. तेरा सीधा प्रेस किए हुए मैंने कुछ भी वो नहीं करा था. नहीं ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है. मोए मोए. पहले इसको थोड़ा सा अंदर को करो. हाँ, अब इसको ऐसे लटाओ. गुड. हाँ. ये तो बाबू ये तो झुक गया. इट्स नॉट लाइक योर ईगो. मोए मोए. तय करी हुई तूने. ये देख. ये भी है बाबू. ये भी करो. सांप. मोए मोए. हाँ इनको भी करो. ये तो ठीक बची गया बेचारा. ये तो बेचारा होता ना जैसे हल्का सा अर्थ को ही गया था इसके लिए. ये क्या है? ये ऊपर का है, नीचे का पता नहीं चलता. मोए मोए. क्यों तेरे हाथ नहीं है क्या? नहीं है. मोए मोए. बस कर अब तो. कैंडिड आइडियाज ले नहीं सकती. कहता दाढ़ी पता मेरी कैसी हुई है? डेविड बेकहम जैसी. बात है सर. क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है. मोए मोए. मोए मोए. मैं जा रहा हूँ मेघा को लेने. कीरत का भी प्लान था जाने का बट लास्ट मिनट कीरत को कुछ काम आ गया तो इससे वो नहीं जा पाई. उसको एक फाइल सबमिट करनी है सो रुकी हुई है. हमारा प्लान था घूमने का बट अब क्योंकि कीरत नहीं जा पाई तो हम क्या करेंगे, अभी मेघा को मैं उठाऊंगा और उसके बाद हम पहले घर जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि कितना काम पेंडिंग है. उसके बाद कहीं मेघा को इधर उधर मोमोज वगैरह खिलाने या छोले भटूरे खिलाने जाएंगे. जो मेघा का दिल करेगा वो करेंगे. एंड लेट्स सी. बाय द वे विनिपेग से फ्लाइट यहाँ पे आधा घंटा पहले ही लैंड हो गई है बट मेघा भी वॉशरूम वगैरह होके आई है और बैगेज वगैरह कलेक्ट करेगी तो आई डोंट थिंक उसको वेट करना पड़ेगा. सो लेट्स गो. हेलो हीरोइन, कैसी है? बहुत अच्छी. वेलकम टू वैंकूवर. वेलकम होम. वेलकम. ओहो पहले से इसे गाइस कह दिया वेलकम होम. लड़की को मेरे को आधा कन्विंस करना पड़ेगा कि तू यहाँ पे मूव हो रही है. मैं बता चुका हूँ अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, हमारा प्लान ये है कि हमने मेघा को कन्विंस करना है सो दैट शी फॉल्स इन लव विद वैंकूवर. खड़ी होगी कह रही है वी आई पी पिकअप.
अच्छा तू इतने दिन यही घूमेगी तो या तो इसको ऐसे See, that's what I did. हाँ. किया था मैंने. ये देखो ये जितनी बार इन्होंने मेरे से ऑफिस में डांट खाई है ऐसे बदला पूरा करते गए दरवाजा खोलो बंद करो चलो चलो घर चले क्या बढ़िया बात लग रही है लड़की ने अपने कुर्ले बाल स्ट्रेट कर कर आई है इसे चप्पल क्यों नहीं पहनी दी तो दी पहले मैं खाना बनाता इसको कहाँ आता था ये तुम्हारी चप्पल इधर हाँ वो चप्पल पहनो अपनी मेगा के लिए स्पेशली हमने रैक लगाया क्योंकि हमारी कबर्ड है ना एक्चुअली बहुत ज्यादा देखो मेगा के लिए भी इसलिए बनाया है क्योंकि जब तुम नहीं देखोगे तो कीरत इसी पे रख के अपने हॉल बनाएगी मतलब क्या होता है हॉल मतलब ट्राई हॉल हॉल वीडियो बनाएगी ये हमारा बार एरिया है चलो वॉच रख भी नहीं लाके नहीं 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 वो अलग है वो मैंने पहनी है चलो 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 लिविंग एरिया चलो योर एरिया योर कासा तेरे को क्या करना है कि बेड निकालना है नहीं नहीं बेड निकलता नहीं है ये ऐसी ही है जिस दिन तेरा मन करेगा इस साइड सोने का तो इस साइड सो सकती है जिस दिन तेरा मन करेगा इस साइड सोने का तो इस साइड सो सकती है बट करवट मत बदलो तो गिर सकती है फिर अच्छा नीचे बेड निकलेगा ये कीरत का वर्क स्टेशन है अरे कैसल को कहते हैं यार ये कीरत का पेंटिंग स्टैंड है जिसपे हम सारे प्रे कर रहे की पेंटिंगे बने एक दिन हम लोग मेगा को मेगा के कान बंद हुए हैं उसको सिखा रहे हैं इसको तेरे को ये पता नहीं था कि ऐसे करके करना वही सांस ले अरे ये कैमरा में ऐसे कौन सी चीज करवा रहे हैं हम नहीं बहुत ही पतली लग गई है मेरे को मेगा मे बी बिकॉज द हेयर स्ट्रेट दैट्स व्हाई नहीं नहीं फेस पतला हुआ प्लीज यार बस करो अरे ये थोड़ा सा सांस लेने दो सांस ले ना हम अपना कॉन्टेंट नहीं छोड़ेंगे उधर जाके सांस ले रही है हम घर पे बैठ के थोड़ा सा गपशप कर रहे हैं एंड फिर चलेंगे डिनर पे ठीक है एंड फिश इज वर्किंग ही हैज टू एडिट अ वीडियो थैंक यू अच्छा सबको बता दो कि मेगा यहाँ पे आई कैसे है क्यों आई है बताओ मेगा क्यों आई हो तुम मैं अपने वर्क ट्रिप पे आई हूँ तो बेसिकली इसके एक हफ्ते का वर्क ट्रिप था तो हमने इसको बोला तो दो तीन दिन एक्सटेंड कर ले तो अपने काम से दो तीन दिन पहले आ गई उसके बाद इसकी कंपनी ने होटल फ्लाइट्स सब कुछ करा हुआ इसके लिए गुड यार ये मेरे को ऐसे बड़ा मजा आता है मतलब वर्क ट्रिप कॉर्पोरेट जॉब्स में यार देखो ये तो फायदे होते हैं जब तुम्हारी फ्री में फ्लाइटें फ्लूटें मिलती है और होटल होटल मिलता है बात तो सही है गाइस मैं 4 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ और मेगा कन्विंस हो गई है मेगा के लिए घर देख रहे हैं हम सरी में अभी तो हमें उसको कहीं बाहर भी नहीं घुमाने लेके गए अभी अंधेरे में आई है यार जब बाहर लेके जाएंगे तब वो डिसाइड करेगी है ना ऊपर से देख रही मैंने कहा यार ये है कहाँ पे वैंकूवर सारा तो पानी दिख रहा है मुझे कहती है पानी बहुत ज्यादा नहीं है आपके यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है एयरपोर्ट से घर तक की सड़क कैसी लगी तुझे एयरपोर्ट से घर इट वाज सो स्मूथ मुझे स्मूथ ड्राइविंग बहुत पसंद है लाइक आई डोंट वांट ट्रैफिक लाइक मैं टोरंटो गई हूँ लाइक इट्स मैं एक बात कहना चाहती हूँ मुझे ना आपकी वो मोरे मोरे वाली रील समझ में नहीं आई अरे यार तूने ओके चलो मैं समझाता हूँ तूने वो पुराने ट्रेंड्स नहीं देखे कि टिकटॉक इन इंडिया इन 2018 और 19 वाज ऑलवेज लाइक दिस कि भैया पानी पिला दो क्यों तेरे खुद के हाथ नहीं है फिर वो एकदम से शौक हो जाता था किसके हाथ नहीं होते फिर वो नहीं सी तूने फिर पता चीजी कंटेंट मिस कर दिया अरे एक एक ऐसी कि तू कर ले तेरे हाथ पे क्या मेहंदी लगी टिकटॉक बीच में ऐसे शुरू ना था कि कुछ भी बात कर रहे हैं रेस थ्री का म्यूजिक लगा दिया पीछे से कि जैसे एक लड़की किसी को देखती है ठीक है उसको हक करती है फिर पीछे एक और लड़का आता है उसको फ्लाइंग किस कर देती है बट वो लड़का उसके लड़के को फ्लाइंग किस कर देता है तो वो शौक हो जाते हैं बट ये वाला लड़का उसकी बहन को फ्लाइंग किस कर देता है नहीं पता इसको मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है बाबू तूने वो भी ओरिजिनल ओरिजिनल तो देखी है मैंने बट लॉजिक ट्रेंड है ना
लॉजिक कुछ सो ब्यूटीफुल सो वो इस ट्रेंड एक्सप्रेस कर रही है इट्स अ ट्रेंड ना अच्छा ऐसी मोई मोई से ट्रेंड अच्छा जैसे फॉडी हो रही है फॉडी हो रही है तो कुछ भी चल रहा है कहीं पर भी तुम्हें रिजेक्शन मिलती है मोई मोई जैसे कीरत से मैं कुछ कहता हूँ कि आई लव यू और कीरत से कल को तेरी नौकरी लग रही नहीं लगी We are very very happy now we are going to eat outside मेगा को लेके आए गाइस हम वाओ मोमोज एंड ग्रिल पे प्रॉपर अगर आपको इंडिया वाले मोमोज खाने हैं तो आपको यहीं पे आना है और सबको अपने दोस्तों को यहीं लेके आना है कैसे एंड थैंक यू सो मच बर्थडे पार्टी में गाइस इतना टेस्टी खाना भेजा था थैंक यू सो मच आपको आना है आपको वाओ मोमोज ही आना है मैंने पहले ही बताया था सुपर फूड सबने बहुत तारीफ की थैंक यू सो मच मैंने और कीरत ने सुपर पफ पहनी हुई है ये विनीपेग से आई है वो टी शर्ट में घूम रही है कह रही गर्मी इतनी है ये परफेक्ट मौसम है विनीपेग वालों के लिए कुकी मेक कर दी यार मैंने ये देखो मैंने कीरत ने डबल लेयरिंग की हुई है मेरे को देख कहती ये परफेक्ट वेदर है परफेक्ट अच्छा विनीपेग में अभी मौसम कितना -9 -18 सोच में आजो हमारा पीक टू पीक होता है -15 ये कह रही ये तो कहीं समर चल रही है भाई विनीपेग वालों मैं इसे कह रहा हूँ विनीपेग कैलगरी सस्कैचवान ये देखो यार देख रहे क्या कपड़े पहन रखे तेरे किड्स किड्स डोंट नो अबाउट ड्रेसिंग फॉर द वेदर हमें मेरे को भी टांगों पे ठंड लग रही है और नहीं तो क्या फॉर्मल नहीं पहना मैंने इतना ऑसम लग रहा है ना अभी इतना अच्छा सा फीलिंग आ रहा है जैसे पहाड़ों में घूम रहे होते हैं लाइक 2 degrees या जो भी वेदर हो रहा होता है और अभी हमारा 5 degrees है कुछ 5 degrees लाइक गाइस यू कैन सी दिस इज सी थ्रू इतना अमेजिंग लग रहा है विनीपेग वाले कि यार सर यहाँ आके बेइज्जती कर रहे हैं तुम्हारे वेदर की बट इसलिए इसको परफेक्ट जगह कहा जाता है दोस्तों देखो ऐसा है कितनी देर 1.5 मिनट 1.5 मिनट के बाद विनीपेग वालों ने कहा कि मेरे को जैकेट दे दो हेलो विनीपेग वाली दीदी हेलो क्या हुआ कहती सी थ्रू है मेरा काम है अगले हफ्ते मुझे बीमार नहीं पड़ेगा अच्छा भाई ठंड तो ठंड होती है एनीथिंग बिलो 10-12 degrees ठंड लगने लग जाता है यू नीड क्लोथिंग फॉर दैट क्यों हीरोपंती दिखाने का देखो गाइस हनीमून कपल विनीपेग वैली की जो जान निकली हुई है अरे ठंड हो गई है मतलब ना अचानक से अच्छा ट्री लाइटिंग फेस्टिवल है नवंबर गाइस शो ऑफ नहीं करते ठीक है कपड़े पहन लेते हैं जब लगे तो पहन लो नहीं लग रही तो मत पहनो शो ऑफ क्यों करना है खुद की क्या बोलते हेल्थ है बेटा तू तो यहाँ पे आई भी काम से है कहीं तू बीमार होगी ऑडिट नहीं किया तूने तेरी कंपनी तुझे कहेगी भाई तुम्हें भेजा किस लिए नहीं ये इकोनॉमी में भी नहीं आई ये आई है प्रीमियम इकोनॉमी में कंपनी पे कर रही थी इतने स्वाद स्प्रिंग रोल है ना ये दिल्ली वाले वाओ मोमो से और हम लेके आए ग्रेवी वाला मंचूरियन विद नूडल्स इनकी नूडल्स भी फैंचो के बर्थडे वाले दिन ऑर्डर करी थी क्या यम्मी लिशियस नूडल्स है बहुत ही टेस्टी ये तो भाई नेक्स्ट लेवल पैचियो में ऑल फूड सेट और रेडी कुका जस्ट सोने का टाइम आया ही था ये लड़की मैं अपना बैग भूल गई हूँ आपकी गाड़ी में अब हम वापस जा रहे चार्जिंग वाली स्पॉट पे इतना प्यारा हमने बेड सजाया मेघा के लिए बिल्कुल उसको फील नहीं होगी वो काउच पे सो रही है वैसे हो भी नहीं रहा नहीं मुझे दिस हैज गिवन मी ए विजन जब मम्मा जब आए देखे तो वी कैन इजीली स्लीप हियर बेडशीट तो मस्त है ना वैसे करके आराम से और उस साइड होके सो पता है मैं थोड़ा सा जेलस भी हूँ मुझे लग रहा है मेगा ज्यादा हैपनिंग बेड पे सो रही है थोड़ा कैसल टाइप फीलिंग आ रही है ना कि स्टूडियो अपार्टमेंट है उसके पास सी गाइस डाइनिंग किचन डाइनिंग एरिया लिविंग रूम एंड बेडरूम ओ मेगा के रूम में तो टीवी भी लगा हुआ है और नहीं तो क्या हमारे पास छोटा बाबू चलो दोस्तों आज के लिए गुड नाइट बाय बाय अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको बताइए आपको क्या करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब बाय बाय